हेलो गाइस, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ए प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है एन ए प्लस के अंदर इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है क्वांटम नंबर के अंदर। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हेलो गाइज, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दी सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ए प्लस। अब यहाँ पे देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिए एन ए, सोडियम होता है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये हुआ एन ए प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं एन ए प्लस का। तो जब एन ए प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 एंड 2p6। ये हो गया एन ए प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और यह है एन ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब उसके बाद यहाँ पे क्वांटम नंबर, इसको हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, 2p6 में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p6 को ले लिए एनएल एक्स। ठीक है, एनएल एक्स। अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे जो एन हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे एन इजकल टू हो जाएगा 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद यहां से एल इजकल टू पी, और यहाँ पे जो एक्स है, ये जो 6 है वो यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, पी है, पी सबसेल है, तो यहाँ पे इसके अंदर पी सबसेल बना लिए, तीन ऑर्बिटल ऐसे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे, पी 6 है तो पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया, अब इससे पेयर्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हम पी सबसेल को, इसको इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए। अब इसके बाद देखो, यहां से एन इजकल टू टू, एन इजकल टू आ गया 2, एल इजकल टू पी। अगर इसका वैल्यू 1 रखते हैं, पी इजकल टू 1 रखते हैं, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, एन इजकल टू 2 और एल इजकल टू 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं क्वांटम क्वांटम नंबर एम। नेक्स्ट अगर क्वांटम नंबर एम लिखते हैं तो एम इजकल टू होता है माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल 02 प्लस एल। अब यहां से एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल का वैल्यू कितना है, 1, माइनस 1, 0 टू प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एम लिख लिए। अब यहाँ पे देखो कि जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किए, जब एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किए उसके बाद जब इसको शेयर करते हैं तो शेयरिंग किए, उसके बाद जब इसका हम स्पिन निकालते हैं तो इसका तो जो स्पिन होते हैं या तो स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और जब स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होते हैं इसका स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे एस इजकल टू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो अब यहां से हम लिखेंगे एन एल एम और एस। तो एन का वैल्यू कितना है, माइनस सॉरी एन का वैल्यू कितना है, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। एल का वैल्यू कितना है, 1। एम का वैल्यू कितना है, 0। और एस का वैल्यू कितना आएगा, माइनस हाफ।
तो यहाँ पे इसके अंदर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एन ए प्लस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ही इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।